अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे गोभी 65। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक गोभी। इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा नींबू, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, तीन टेबलस्पून मैदा, चार टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, दो टेबलस्पून दही और थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये सारी चीज़ें हम गोभी को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आधा टीस्पून दाल का मसाला, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। यहाँ मैंने एक भगोने में पानी बॉईल कर लिया है। अब इसमें गोभी डालकर 2-3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो गए हैं, अब हम इसका पानी निकाल देंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए एक गहरे बर्तन में डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा फूड कलर और दही। अब इसमें हम ये आधा कटा हुआ नींबू भी निचोड़ देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मैरिनेशन को हमें इस तरह का रखना है। अब इसमें ये गोभी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मैरिनेट हो गया है। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें फ्राई करेंगे। इसे मीडियम गैस पर 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इनको पलट देंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे। ये ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए तेज गैस पर फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह बाकियों को भी फ्राई कर दूंगी। अब एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इसको सॉटे करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, दाल का मसाला, इन सबको भी अच्छे से मिलाएंगे।
अब इसमें गोभी ये डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। ये सॉटे हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इसे धनिया से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। गोभी 65 तैयार है, इसे गरम गरम सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।